नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। अमलतास का पेड़ भारतीय मूल का वृक्ष है और इसमें आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। वो इसका लगभग हर हिस्सा, चाहे वो जड़ हो, छाल हो, पत्ते हो, फूल हो या फिर इसका फल हो, सभी में औषधीय गुण छुपा हुआ है और सभी का औषधीय रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अमलतास का जो वृक्ष है वो मध्यम ऊंचाई वाला वृक्ष है, लगभग अपने जीवन काल में 30 से 40 फुट ऊंचाई धारण करता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो शीशम या जामुन की जैसी पत्तियां, मिलती जुलती पत्तियां हैं, जो कि हरी होती हैं और चटकीली होती हैं और थोड़ी मोटी होती हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि मार्च अप्रैल महीने में ये जो अमलतास का जो पेड़ होता है, इसमें पत्ते झड़ जाते हैं और उसके पश्चात पीले रंग के सुंदर फूल गुच्छों में आते हैं। और देखने में ये आया है कि मार्च से लेकर जुलाई तक भरपूर फूल पेड़ पे नज़र आते हैं और ये गुच्छों में होते हैं, जैसे समझ लीजिए जैसे अंगूर लटक रहे हों। और ये फूलों का जो रंग होता है चटक पीले फूलों का होता है और देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। लोग इस प्रकार के पौधे को अपने पार्कों में, अपने घर के आसपास, कॉलोनी में और साथ ही सड़कों के किनारे लगाना पसंद करते हैं। अमलतास के पेड़ पर लंबी लंबी फलियां आती हैं, जो कि शुरू में हरे रंग की होती हैं, बाद में वो काले रंग की या फिर चॉकलेटी कलर की हो जाती हैं। और ये जो फलियां होती हैं, इसकी लंबाई लगभग 1 से 3 फुट लंबी होती हैं और मोटाई लगभग 1 इंच मोटाई वाली होती हैं। और ये जो फली होती है, इसके अंदर जो बीज होते हैं और गुदा होता है, ये दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। अमलतास को अंग्रेजी में गोल्डन शॉवर ट्री कहते हैं या फिर पुडिंग पाइप ट्री कहते हैं। ख़ास तौर से ये लंबी लंबी जो फलियां होती हैं उसकी वजह से इसको पुडिंग पाइप ट्री का नाम भी से भी जाना जाता है। वहीं मराठी के अंदर इसको बहावा या कर्णिकार कहा जाता है और ये बेहद सुंदर पीले फूल मनमोहक आकर्षक लगते हैं, हर किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं। फूलों में किसी प्रकार की गंध नहीं होती। कुछ लोग अमलतास को राजपुष्प या धन बहेड़ा के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर ये पौधा आपको पार्क, बगीचों और सड़कों के किनारे एवेन्यू ट्री के रूप में लगा हुआ दिखाई दे सकता है। श्रीलंका, बर्मा, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और भारत के अंदर ये पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। भारत का जो केरल प्रदेश है, वहाँ पर इसे राज्य फूल का दर्जा प्राप्त है। वहीं थाईलैंड जो देश है, उसका ये राष्ट्रीय वृक्ष है। आयुर्वेद में इसे कब्ज, बुखार, पाचन समस्याओं, त्वचा रोग और कुष्ठ रोग या घाव ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। अमलतास पेड़ की जो छाल है और जो फल है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इन चीज़ों का काढ़ा बनाकर हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अमलतास को गुजराती लोग गरमाला कहते हैं। अंत में 100 बात की एक बात यह है कि जो अमलतास का पौधा है, बहुत ही बेहद आकर्षक पौधा है। इसके फूल बेहद आकर्षक हैं, साथ ही इसमें औषधीय गुण छुपे हुए हैं और इसके द्वारा बहुत सारी बीमारियों का हम निदान कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आसपास इस प्रकार के पेड़ों को लगाकर एक तरह से हम अपने आसपास अच्छी सेहत का माहौल बनाकर रख सकें। आओ अमलतास लगाएं, समाज में सेहत के प्रति जागरूकता लाएं।